इन्हें दे दीजिए भाई साहब पुराने चावल आए पुरानी धान। गुरु जी प्रणाम। आओ प्रणाम बोलो। जय सिया राम। ओम बागेश्वराय नमः। गुरु जी मैं बजरंग बड़ी का पास रहता हूँ हनुमान जी का। जो यार भाई साहब जो तो रहो सही है छोटे बच्चन के। तो गुरु जी उसमें उपास में 24 घंटे का व्रत रखता हूँ गुरु जी, तो उसमें शाम को प्रसाद लेना चाहिए गुरु जी की 24 घंटे का व्रत रहना चाहिए? जैसी क्षमता हो। अब मैं तो गुरु जी 36 घंटे रह जाता हूँ। नहीं 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 ऐसा नहीं करना। और आपसे मिलने रख दो। सुबह से गुरु जी आया हूँ, खाना भी नहीं खाया था। सुबह से आके मैं आपके दर्शन करने के लिए, आपको पाने के लिए, आपको देखने के लिए मैं सुबह से आके बैठा हूँ गुरु जी। कहाँ के हो? कहाँ के हो? जौनपुर के, यूपी के हूँ सर, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के हूँ। रमेश पांडे, ताली बजाओ इनको। रमेश पांडे नाम है सर। मैं गुरु जी आपके लिए मैं कुल्फी हेम क्रीम आइसक्रीम का हमारा काम है यहाँ रायपुर में, और कुल्फी बना के लाए थे गुरु जी, लेकिन कुल्फी इंतजार करते करते पिघल गया कुल्फी गुरु जी। मैं आपसे मिल नहीं पाया और हमारी इच्छा है कि मैं कुल्फी आपके लिए 20 मिनट में मंगवा रहा हूँ गुरु जी, आप प्रसाद करो। कुल्फी पिघल गई, हम ना पिघल पाए गुरु जी। आपके लिए हेम क्रीम स्पेशल कुल्फी बनाए थे। अब वैसे गलो बैठ जाने, लेकर ले आओ। लेकिन आपके लिए खिलाने के लिए हमारी बहुत इच्छा थी। मैं सुबह से वही कुल्फी खिलाने के लिए बैठा था। ले आओ ले आओ। 10 मिनट में आपके लिए कुल्फी लेके आता हूँ गुरु जी। धीरे मैम 15 मिनट में। जी जी ले आओ ले आओ गुरु जी। ओ पांडे जी, आपने कहा कि कितने घंटे तक उपवास रहना चाहिए? सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक। कब तक? अच्छा ये सबके लिए नहीं है, अगर कोई ना झेल पाए तो खूब दबा के खाओ। इसका अर्थ समझो, शास्त्रोक्त उत्तर समझो। ये तो था विनोद वाला उत्तर, अब शास्त्रोक्त उत्तर। उपवास का अर्थ क्या है? उपमाने होता है समीप। उपमाने समीप, वास माने रहना, भगवान के चरणों के समीप रहना ही उपवास है। अब इसमें भूख का भोजन का कोई मतलब नहीं है, जो जैसा झेल पाए। भोजन इसलिए कम किया जाता ताकि नींद न आए। तो अच्छा हमसे कोई पूछे तो हमसे, वैसे तो हम दिन दिन भर रह लें, लेकिन उपवास के नाम पे एक घंटा नहीं लेते। अगर कोई कह दे कि आप व्रत रहो, तो देखो हम तो इतने आलसी आदमी, तुरंत लगना कचौड़ी आ जाए, चाट ही आ जाए, बड़े समोसा ही खाद मिल जाए। हाँ, और लेकिन वैसे सो दो दो दिन ना कहा भोजन होवे, रात की चाय की चाय भर होवे, हल्का फुल्का फलाहार। वैसे भी कथा में हम एक टाइम फलाहार ही लेते हैं। तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक। और जय हो पांडे जी की, आप ब्राह्मण देवता हो, बहुत अद्भुत है। ले आओ कुल्फी भाड़ में गई वाही का लगे गलोसो बैठ जाने हूं मैं, लेकिन अब काका मना नहीं कर, पिघल गई एक भी बाप पिघल गई, हम ना पिघले हाँ तो हो गई। तो अब कुल्फी भी गाली बके, इसीलिए खा लेना चाहिए।